अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब तक हमने ऑलमोस्ट तमाम मॉड्यूल्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने सारी चीज़ें वर्डप्रेस से रेलिवेंट वन बाय वन देखी हैं, डिटेल के अंदर सारी चीज़ें देखी हैं और सारी चीज़ों के अबाउट हमने प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया आपको एक एक चीज़ के अबाउट, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हमारा लास्ट मॉड्यूल है जिसके अंदर हम फाइनल प्रोजेक्ट्स करेंगे, और फाइनल प्रोजेक्ट्स मैंने 5 लिस्ट किए हुए थे, जिसके अंदर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको 5 ही करके दिखाऊं, और हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। किस तरह से ये सिनेरियो चलेगा, मैं बेसिकली उस प्रोजेक्ट के नीचे एक रिक्वायरमेंट, जिस तरह से क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट देता है, एक डिस्क्रिप्शन लिखा करूंगा, और हर लेक्चर से पहले मैं आपको बताया करूंगा कि ये क्लाइंट की डिमांड है, उस डिमांड के मुताबिक हम अपना जो है वेबसाइट वो बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि हम वो पूरी वेबसाइट स्क्रैच से बनाएं या हम कोई थीम यूज करें या क्या यूज करें, मेन काम हमारा वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है, राइट। हम चाहे वो किस तरह से भी करें, चाहे वो टेम्पलेट यूज करें, चाहे वो स्क्रैच से बनाना पड़े, चाहे जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हमें स्क्रैच से बनानी सॉरी टेम्पलेट से बनानी पड़े, और लेट्स सपोज 80% हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो थीम से पूरी रहे, 20% हम खुद उस पर मैनुअल डिजाइन कर लेंगे टाइम बचाने के लिए। ऑब्वियसली बात है, क्लाइंट को उसका काम चाहिए और उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं या स्क्रैच से बना के दे रहे हैं, राइट, एज फार एज कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और तब से स्टार्ट करेंगे पहला प्रोजेक्ट जो कि है रेज्यूमे बिल्डिंग या पर्सनल पोर्टफोलियो के अबाउट। अल्लाह हाफ़िज़।